नमस्कार दर्शकों, मृणाल की बैठक में आज आपका स्वागत है। आज 1 फरवरी है और देश का अंतरिम बजट पेश हुआ है। उसके बारे में मीडिया तमाम तरह की खबरों से भरा हुआ है कि किस तरह से ये बजट तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में और मोदी मोदी के नारों के बीच में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ पास किया गया। बहरहाल हमको लगता है कि इस बार कई सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल नई हुई। एक तो ये कि शायद आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार वित्त मंत्री जो तदर्थवादी तौर से वित्त मंत्रालय का भार लिए हुए हैं, क्योंकि भारत के वित्त मंत्री कुछ निजी कारणों से बाहर हैं, इसलिए ये एक कहा जाए कि अंतरिम तौर से इंचार्ज वित्त मंत्री के द्वारा एक अंतरिम बजट पेश किया गया। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब बजट पेश होता है, चाहे वो 2 महीने का हो या 3 महीने का हो, तो हर गृहिणी जानती है, सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि हम पहले नज़र डालते हैं कि हमारी जेब का आकार कितना रह गया है, बाज़ार में सामान किस हद तक बिक रहा है, किस प्रकार का और कितने पैसे में बिक रहा है, और फिर उस हिसाब से हम बजट बनाते हैं। अब अंतरिम बजट में चूँकि आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने लाने की बाध्यता नहीं होती, तो बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण इस बार नहीं आया है। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वित्तीय संस्थाओं को, बड़े निवेशकों को ही नहीं, आम बजट बनाने वालों को भी पता चल जाता है कि देश की हवा, आर्थिक हवा किस तरह बह रही है, किस इलाके में उछाल है, कहाँ पर मंदी का दौर है और आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण इतने बड़े पैमाने पर सरकार ही कराती रही है और इसकी बहुत तारीफ होती है। भारत सरकार नेशनल सैंपल सर्वे के अंतर्गत जो घर घर जा कर के आंकड़े जमा करती है, उनकी देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत तारीफ होती है। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ के धन कुबेर श्री मुकेश अम्बानी ने इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के बारे में कहा कि डेटा इज़ द न्यू गोल्ड, यानी इंटरनेट की मार्फत जो डेटा जमा होता है वो सोने की तरह है। तो साहब, ये जो सरकारी सर्वेक्षणों की मार्फत डेटा आता है, ये भी खरा सोना होता है। अचरज की बात ये कि इस बार NSSO के, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो ताज़ा तरीन आंकड़े थे नौकरियों की बाबत, जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, वो जारी नहीं किए गए। बताया ये गया कि अभी वो भरोसेमंद तौर से पुख्ता नहीं हुए हैं। नीति आयोग के प्रमुख ने कहा कि अभी उन पर थोड़ा सा मशवरा विचार और होना है, इसलिए जब वो पक्की तौर से पुख्ता हो जाएंगे तब उनको जारी किया जाएगा। रोचक बात यह है कि इससे एक दिन पहले टेलीविज़न पर सांख्यिकी गणना विभाग के 2 बड़े अधिकारियों ने यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि नौकरियों की बाबत सारे आंकड़े उनके पास दुरुस्ती से जमा थे, जिनकी उन्होंने तालिकाएँ बना करके इस हालत में ला दिया था कि उनको सीधे सीधे अपलोड किया जा सकता था जनता के देखने के लिए, लेकिन साहब वो जारी नहीं हुए। तो NSSO के आंकड़ों का न आना एक तरह से अचंभे से देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ से जो विशेषज्ञ हैं वो उसे दुख के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि देश में नौकरियों की तादाद घट रही है और बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। अनुमान ये लगाया गया है, एक अखबार ने ये दावा किया कि उसके पास NSSO के इस राउंड के आंकड़े हैं, और उसके अनुमान के अनुसार 6% तक उछाल आई है बेरोजगारी में। अब हमारी जैसे जनसंकुल देश में 6% का मतलब है कि करोड़ों नए बेरोजगार इस फौज में शामिल हो रहे हैं। अब इसका डिफेंस बड़े मज़ेदार तरीके से किया गया। सरकार की ओर से एक बड़े अफसर आए और उन्होंने बड़े गोलमोल तरीके से कहा कि असल में ऐसा है कि नौकरियां तो बहुत जेनरेट हो रही हैं, लेकिन वो वैसी नौकरियां नहीं हैं जैसी नौकरियां ढूंढने वाले चाहते हैं। बहरहाल नौकरियां हैं, लेकिन नौकरी पाने वाले लोग जो हैं वो उन नौकरियों को करना नहीं चाहते। यानी ये कुछ कुछ वैसी ही कबीर की उलटवासी है कि जल बिच मीन प्यासी, कि पानी के बीच में रह करके भी मछली प्यासी बनी हुई है। अब ये तो भगवान ही जाने की सच्चाई क्या है, लेकिन इसमें 2 राय नहीं हो सकती हैं कि बेरोजगारी इस वक्त हमारे देश का भारी संकट है। स्कूलों में, कॉलेजों में दाखिले के लिए कतारें लगी हुई हैं,
साक्षरता दर बढ़ती जा रही है। गाँवों में भी लड़कियां पाठशाला नियमित रूप से जा रही हैं और ये बहुत अच्छा लक्षण है। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन ततः के उसके बाद क्या? अधिकतर माता पिता से पूछे या युवाओं से पूछे तो वो उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि उनको सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र ज़रा कड़ाई बरतता है, कई तरह के भत्ते वेतन में वृद्धि वगैरह वहाँ नियमित रूप से नहीं होते हैं, पसंद के आधार पर किए जाते हैं। कई तरह की ऐसी भी नौकरियां हैं जहां हर साल आपका KRA लिखा जाता है और बदस्तूर लोगों को हटा दिया जाता है, लिहाजा नौकरी का पक्का होना तय नहीं। सरकारी नौकरियों के बारे में आम राय ये है कि भाई एक बार उसमें घुस जाओ, उसके बाद फिर रिटायरमेंट के साथ ही आप फूल की माला पहन के बाहर जाओगे, उसके बाद आपको नियमित रूप से पेंशन मिलती रहेगी। तो इसलिए सरकारी नौकरी के लिए युवाओं में ललक होना स्वाभाविक है, पर सरकारी नौकरियां सिकुड़ रही हैं खुद सरकार के अनुसार। सरकारी क्षेत्र चूंकि खुद भी सिकुड़ रहा है, इसलिए जाहिर है पुरानी नौकरियां नहीं हैं। उधर निजी क्षेत्र फैल तो रहा है, लेकिन जिस तरह से वो फैल रहा है वहाँ नौकरियाँ उस तादाद में नहीं बढ़ रही हैं। तो एक अजीब और उलटबांसी हमारे सामने आती है कि देश की सकल आय बढ़ रही है लेकिन बेरोजगार भी बढ़ रहे हैं। यानी कि सकल आय जो सौभाग्यशाली हैं, नौकरी वाले हैं, उनकी तो बढ़ गई, लेकिन जिनके पास नौकरी नहीं है वो बैठे हुए हैं। अब उनको कोई सलाह दे रहा है कि तुम पकौड़े बेचो, कोई मजाकिया सलाह देता है कि तुम जाकर के ठेला लगाओ, ये आहत करने वाली बातें हैं। और कोई भी समझदार और अपने ऊपर भरोसा रखने वाला युवा रोज़गार की बतौर इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहेगा। दूसरी दिक्कत ग्रामीण इलाकों में है जो ज़्यादा गंभीर है। वहाँ अधिकतर अनौपचारिक काम मिलता है और जो खेती से जुड़ा हुआ है। खेती आज भी देश में 50% रोज़गारों का सृजन करती है, जबकि देश के सारे भागों में खेती की दशा इधर बदतर हुई है। अब हालत ये हो गई है कि किसानों के अपने बच्चे भी खेती का काम पकड़ना नहीं चाहते हैं और प्रेमचंद के उपन्यास के गोबर और उसकी पत्नी की तरह से शहर जाने को मचलते रहते हैं। लिहाजा बहुत सारी खेती बर्बाद हो रही है और बहुत सारे लोग जो खेत मजूरी करके पालते थे वो बेरोज़गार हो रहे हैं। मनरेगा का दायरा सिकुड़ा है, इसलिए जिन औरतों को सरकारी दिहाड़ी पर खटने के लिए और काम करने के लिए कुछ ना कुछ हाथों को मिल जाता था वो भी कम हो गया है। चिंताजनक आंकड़े ये सामने आए हैं पुख्ता तौर से कि 11% महिलाओं ने रोज़गार की फौज छोड़ दी है। इसको लेकर के फिर एक हमको अजीब सा तर्क दिया गया। ये कहा गया कि औरतें काम करना नहीं चाहती, उनके पति अच्छा कमाने लगे हैं, बेहतर कमा रहे हैं, तो वो काम क्यों करें। ये भी कहा गया कि बहुत सारे लोग आलसी हैं, वो घर के पास ही नौकरी पाना चाहते हैं। ये एक तरह से लचक चीज़ है। जब देश में इसके साफ प्रमाण मिल रहे हों कि गरीबी और फटेहाली कम से कम ग्रामीण इलाकों में बढ़ी है, औरतों के हाथ से रोज़गार गए हैं, तो ये पूछने का मन करता है कि इनमें से कितनी औरतें स्वेच्छा से घर में बैठी हुई हैं। NSSO के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो अकादमिक तौर से इकट्ठा नहीं किए जाते हैं। उनके जो सर्वेक्षक होते हैं वो घर घर जा कर के परिवार दर परिवार 15 वर्ष से बड़ी उम्र वाले हर पुरुष और स्त्री के व्यवसाय के बारे में पता करके उसे दर्ज करते हैं। जब तक ये आंकड़े सामने नहीं आते हम व्यवस्थित तौर से नहीं कह पाएंगे कि कितनी औरतें हैं जिनको अपने उम्र और हुनर के हिसाब से काम मिला है और कितनी हैं जो इच्छा होते हुए भी काम नहीं कर पा रही हैं। और यही बात कमोबेश पुरुषों पर भी लागू होती है। उम्मीद है कि जल्द ही, जैसा कि श्री राजीव कुमार ने नीति आयोग की तरफ से भरोसा दिलाया है कि इन आंकड़ों को कंघी चोटी करके व्यवस्थित करके हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा, ताकि नागरिकों को और अकादमिक लोगों को और जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं उनको ये पता लगाने में सहूलियत होगी कि देश की असली तस्वीर क्या है। अब हम आते हैं आज के बजट पर। इस पर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है और दिन भर इस पर चर्चे होते रहेंगे, लेकिन रोचक बात यह है कि अब तक तेज़ दिमाग वाले लोगों ने यह हिसाब लगा लिया है कि दो बड़ी राहतें जो किसानों को और मध्य वर्ग को दी गई हैं, अगर उसको गुणा भाग करके दैनिक रूप से उनकी आमदनी में वृद्धि से जोड़ा जाए तो 5 लोगों के किसानी परिवार को
रोज़ाना करीब 3.33 रुपये का मुनाफा हुआ है, जिसमें शायद 5 लोगों के जीवन में कोई उल्लेखनीय सुधार तो होने से रहा। शहरी मध्य वर्ग को भी कुल 16 से 17 रुपये रोज़ाना की बढ़ोतरी मिलेगी। और इतने में तो हम गृहिणियाँ भी जानते हैं कि कई राज्यों में, खासकर दिल्ली में, 1 किलो प्याज खरीदना भी मुश्किल है। तो इसलिए इस बजट के प्रभाव को देखना रोचक रहेगा। हालांकि ये अंतरिम बजट है और 3 ही महीने के लिए है, लेकिन जिस प्रकार से इसका भरपूर प्रचार हुआ और इस पर तालियां बजीं, ऐसा लगता था कि ये देश के आने वाले दिनों के लिए एक स्वर्णिम लकीर खींच देगा। अभी ये बात भविष्य के गर्त में है कि ये स्वर्णिम लकीर खींच पाता है या नहीं। फिर हम आते हैं पर्यावरण पर। पर्यावरण में इधर जाड़े के दिनों में अचानक फिर एक अजीब सा ट्रेंड नई तरह से देखा गया। हुआ ये कि फरवरी का महीना शुरू होने से थोड़ा पहले पूरे उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, खासकर उसके पूर्वी तट पर भीषण ठंड पड़ी। हालात आज ये हैं कि उत्तरी ध्रुव से भी अधिक सर्दी इस वक्त शिकागो और बोस्टन में पड़ रही है। -17 तक पारा जा चुका है। हालत यह है कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, लोग घरों के अंदर बंद हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स की मृत्यु हो गई अकड़ करके, और जो बर्फ़ की सफाई करने वाले दस्ते हैं उसमें से भी कई लोग बीमार पड़ गए या उनके यंत्रों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। ऐसी सर्दी 41 वर्ष के बाद पड़ती देखी गई है। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इसकी बड़ी वजह ये है कि ध्रुव प्रदेश में बर्फ पिघली है, बहुत तेज़ी से पिघली है, उम्मीद से अधिक तेज़ी से पिघली है। इससे ठंडी हवा का एक भयंकर घेरा बना है जो पहले ध्रुव पर मौजूद होता था, जो नीचे खिसकने लगा है। खिसक करके इसने पहले उत्तरी यूरोप को और रूस को अपनी जद में लिया, उसके बाद अब ये दक्षिणी यूरोप की तरफ आ रहा है और कनाडा के बाद अब अमरीका का नंबर लग चुका है। उनका ये भी कहना है कि ये जो दबाव क्षेत्र बन रहा है, ये और जगह भी ठंड के दबाव क्षेत्र बनाएगा। लिहाजा भारत में भी हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में कड़ाके की शीतलहरी पड़ रही है, और देहरादून जैसे शहर में जहां सालों से बर्फ़ नहीं पड़ी थी, इस बार बर्फ पड़ती देखी गई। तो कुल मिला के ये बात साफ है कि पर्यावरण तेज़ी से बदल रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये सब बकवास है और कुछ लोगों की फैलाई हुई डरावनी अफवाह भर है, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक तरफ दहलाने वाली गर्मी, ऑस्ट्रेलिया में देखिए जंगल के जंगल जल रहे हैं, इन गर्मियों में कैलिफोर्निया में जंगल के जंगल जल गए। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि अति की गर्मी और अति की ठंड दोनों मिल करके नए नए रेगिस्तानों का सृजन कर सकती हैं, जो आने वाले समय में दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और अंत में चलते चलते एक अजीब सी बात और देखने में आई। CBI के चर्चित फैसलों के इंतज़ार में हम सब हैं कि उसके शीर्ष पद किसकी नियुक्ति होती है, और अभी तक कुल मिलाकर के 3 जज एक के बाद एक ये कहते हुए उस पैनल में आने से मुकर गए हैं जिस पैनल को इस मामले की तह तक जाना था, ताकि जो उसको तय करने वाले लोग हैं तय कर सकें कि अंततः किसको शॉर्टलिस्ट किया जाए और किस नाम को सर्वोच्च पद के लिए छांटा जाए। तो यानी पहले फिल्मों का मशहूर डायलॉग हुआ करता था, तारीख पे तारीख पे तारीख, अब लगता है जज पे जज पे जज। अब चलिए हम मनाते हैं, खैर मनाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये झमेला सुलझेगा और CBI जैसी महत्वपूर्ण खुफिया संस्था को एक अच्छे प्रमुख की नियुक्ति का सुख मिलेगा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।